यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, देख के डर लग रहा है यार। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 100K करने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। रिवर्सिंग से आपका दोस्त साहब आपके साथ। पूरी की पूरी बिहार राइड चल रही है और इस बिहार राइड में हमने कुछ डेस्टिनेशन को चूज किया और वहां पर जा रहे हैं। अभी वाला जो वीडियो है इसको कनेक्ट करता है इससे पहले वाला वीडियो, तो बिहार राइड का वो वीडियो जरूर देखिएगा। पटना टू भभुआ वाया आरा और बक्सर। तो अब जो है कि हम लोग भभुआ पहुंच चुके थे और उसके बाद हम लोग डेस्टिनेशन पर जाने वाले थे जिसको एक्सप्लोर करने के लिए भभुआ पहुंचे थे। तो चलिए फिर वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। और अगर अभी तक भाई को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो भभुआ के पटेल नगर चौक से हम लोग तेलहार कुंड की तरफ बढ़ते हुए, रास्ता काफी अच्छा है, काफी ज्यादा थक गए थे तो थोड़ा देर हम लोगों ने रेस्ट किया। हम लोग फिर तेलहार कुंड की तरफ निकल पड़े हैं। अभी तेलहार कुंड के बारे में जितना मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो वहां पर पहुंचने के बाद एक अलग सी फील आने वाली है ऐसा लगता है मुझे। फिलहाल अभी सफर जारी है हमारा, सीधा निकल रहे तेलहार कुंड की तरफ। आपको दिख रहा हूँ ये पहाड़, ये फर्स्ट टाइम है जब मैं बिहार में किसी पहाड़ी इलाके में आया हूँ। भगवानपुर पहुंचे हैं और यहाँ से तेलहार कुंड के लिए बढ़ते हुए, तेलहारपुर से जैसे ही निकले हैं उसके बाद देखिए पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं, वो भी सामने सामने आप दिख रही हैं। और ये पूरा का पूरा इलाका ही पहाड़ों से घिरा हुआ है, ऐसा लगता है कि ये पहाड़ियाँ हमें बुला रही हैं। लेकिन यार जितने भी नजदीक जाते हैं उतना ही ये दूर चली जाती है, पता नहीं क्यों। अभी चेतक अपने आप बंद हो गया था लेकिन अभी फिर से स्टार्ट हो गया यार। बस चलते रहना भाई क्योंकि इन पहाड़ियों में मुझे खोना नहीं है। शुरू हो चुका है पहाड़ी क्षेत्र, मतलब कि पहाड़ों वाला इलाका। तो भाई आपको ये व्यू दिख रहा है ना, ये व्यू कितना ज्यादा खूबसूरत है। और यहाँ से हम लोग तेलहार कुंड की तरफ बढ़ रहे हैं और अभी पहाड़ी इलाका शुरू हो चुका है, तो यहाँ से एकदम सीधी चढ़ाई है। अभी चढ़ते हैं ऊपर और देखते हैं क्या कुछ मिलता है। फिलहाल इसको बिहार का हिल स्टेशन कहा जा सकता है क्योंकि इतना खूबसूरत मैंने बिहार में पहली बार देखा है। और यहाँ से शुरू हो गई हमारी चढ़ाई। चढ़ाई है चढ़ाई, यहाँ पे मुझे अब ड्रोन की कमी महसूस हो रही है कि काश मेरे पास एक ड्रोन होता तो यार उससे इसका शॉट आता गजब वाला। ओ भाई बंदर भी है यहाँ, तो यहाँ पे चलाना बहुत संभल संभल के। ओ भाई बिहार में भी ऐसा प्लेस हो सकता है क्या? ये तो मेरे लिए अननोनी है, बिल्कुल अनडिस्कवर। भाई 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 क्या खूबसूरत सा व्यू आ रहा है, बता नहीं सकते आपको। तीखी चढ़ाई एकदम। ओ और ये देखो भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, और यही होता है जो आप संभल के राइड नहीं करते हो। तो जो यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं भाई वो थोड़ा संभल करके राइड करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। जबरदस्त व्यू, जबरदस्त। अक्सर हम लोग लेह लद्दाख राइड में हम लोग देखा करते थे इस तरह का व्यू, और ये व्यू बिहार में है। मैं तो पैर धो लिया एक बार अच्छे से, साफ हो जाए भाई, पैर का कचूमड़ बन चुका है। और इस झरने से अभी गुजरते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग फाइनली अभी पहुंच चुके हैं तेलहार कुंड वाले रास्ते में। चारों तरफ झरना है यहाँ पर और सड़क भी काफी ज्यादा टफ है यहाँ पर राइड करना। अगर आप राइड कर रहे हो तो थोड़ा आराम से संभल के देख। ओ पर चारों तरफ जो है ना रास्ता बिल्कुल पथरीला है। और फाइनली आई थिंक वी रीच तेलहार कुंड। ये वाला व्यू आपको देखने के लिए कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। चारों तरफ से झरना है यहाँ पर, हर तरफ झरना है और जबरदस्त पूरा लोकेशन देखने को मिल रहा है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं तेलहार कुंड, और तेलहार कुंड के पास
थोड़ी सी दूर पर खड़े हैं और मैं बता नहीं सकता हूँ कि ये वाला व्यू पाने के लिए हम लोगों ने कितना दूर राइड किया था और भभुआ पहुंचे। यहाँ से निकल रहे हैं, कुंड की तरफ जा रहे हैं और ये राइड काफी मुश्किल हो गई है। अरे क्या लड़ा पहाड़ों में बाइक लेके। स्टैंड के स्प्रिंग टूट गए। ओ भाई फाइनली पहुंच चुके हैं तिलहार कुंड और यहाँ की जो ब्यूटी है मैं उसे बयान नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं, नीचे चल के देखते हैं कि कैसा व्यू आ रहा है। काफ़ी ज़्यादा पथरीला रास्ता है तो मैं कह रहा था ना सारे पैसे तो इसी के हैं, ये वाले व्यू के लिए पटना से चल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अब बस देखिए क्या ज़बरदस्त वाला व्यू है। यहाँ पर आने के लिए मैं कितने दिनों से सोच रहा था लेकिन कभी कोई मौका मिलता ही नहीं था, कभी कोई टाइम नहीं बनता था, लेकिन आखिरकार ये मौका निकल गया और मैं यहाँ पर पहुँच गया। कहा जाता है ना कि बिहार में कुछ घूमने के लिए जगह नहीं है, बिहार में कोई ऐसा प्लेस नहीं है जहाँ पर जाकर के हम लोग मौज मस्ती कर सकें, तो ये वो इसका एक एग्जाम्पल है कि बिहार में सब कुछ है, आपको बस एक्सप्लोर करने वाला चाहिए। बहुत ज़बरदस्त वाली फीलिंग है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि महसूस हो रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ से थोड़ा सा और हम लोग आगे चलेंगे ताकि आपको झरना का और अच्छा व्यू दिखला सकूँ। देखिए वाटर का फ्लो कितना ज़बरदस्त है यहाँ पर। ज्यादा गहरा ये, हर तरफ से एक नया व्यू यहाँ पर मिल रहा है। नीचे देख के डर लग रहा है यार। यहाँ पर आकर के महसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ आ गया हूँ, मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं बिहार में ही हूँ और ये वाली फीलिंग। मेरे मटर गश्तियान आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया 100K करने के लिए और आप लोग का इतना ज्यादा सपोर्ट मिला इसका बहुत बहुत शुक्रिया। तिलहार कुंड से मैं आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा खुश हूँ, वो घड़ी वो पल आ चुका है। अभी मूड हो गया नहाने का तो हम लोग चल रहे हैं अभी झरना में नहाने के लिए क्योंकि इसको मैं मिस नहीं करना चाहता था, पता नहीं फिर कब ऐसा मौका मिलेगा। इसके लिए कितना ज्यादा मेहनत किया है, कितना ज्यादा, पूरा अभी पैर जल गया और उसके बाद पैरों की हालत तो देखिए, राइड करने के बाद पैरों की हालत क्या हो चुकी है। भाई से मिलने का बहुत दिन से शौक था, मतलब एक सपना पूरा हुआ है, मतलब इतने बड़े यूट्यूबर से मेरा। अरे नहीं यार, ये तुम लोगों का प्यार है, काफी काफी ज्यादा अच्छा लगा। भैया के चैनल पे आप लोग आए हैं तो भैया को एकदम प्यार सपोर्ट सब दें। बिल्कुल, भाई के चैनल को भी जरूर सपोर्ट। भैया मेरे और ब्लॉगर है और ये तो लद्दाख रिटर्न है भाई। मेरा नाम इरफान आलम है और मेरे चैनल का नाम है टूरिंग गुड्स और मैं लद्दाख रिटर्न हूँ और बहुत अच्छा लगा इस वीडियो में। आप प्लीज मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और बिल्कुल, 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 भाई, भाई को भी सपोर्ट करो और भाई एक बार फिर से अपने चैनल का नाम बता दीजिए। टूरिंग गुड्स। बिल्कुल, हमारे साथ कुछ सब्सक्राइबर भी। हेलो फ्रेंड, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। अब हम लोग हैं बस भगवान के हैं, भगवान के हैं, आमिर भाई है और इनको आप देखते होंगे अनोखा पोस्टर, तो भाई के चैनल को भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो जगह है ना, इसे देखने के बाद आपका एक बार दिल जरूर करेगा कि इस जगह पे आइए, इस लोकेशन पे घूमिए। वाकई में बिहार का
इसे आप बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे राइड करते हुए बहुत प्रिकॉशन लेना है, और दूसरी चीज शाम ढलते ही घर के लिए निकल जाना है, क्योंकि ये जगह जो है ना बहुत ज्यादा सेफ नहीं है। तो हमारे कुछ और फॉलोअर्स मिल गए यहाँ पर, क्या नाम हुआ आपका? अनुज तिवारी। ओके, हाउस हाउस प्लेस। एक्चुअली आई यूज्ड टू लिव इन शिमला एंड आई एम यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस, बट बिहार में मतलब जनरली कुछ है ऐसा, लोगों को बाहर पता नहीं। बिल्कुल, तो हमें ये चाहिए, आप जैसे ब्लॉगर हैं यार, के लोगों को भी लगे कि हमें घूमने जाने के लिए शिमला, मनाली और उत्तराखंड जाने के लिए हम अपने प्लेसेस में भी आए और प्लेस में भी आए और मस्ती करें। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। भभुआ आना सफल हुआ, भभुआ आना बहुत अच्छा रहा, और भभुआ में बहुत ही मज़ा भी आया हमें। तो चलिए फिर आपका भाई साहब मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में। प्रेस द लाइक बटन अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। थैंक यू।